पेश किया गया उस आवाम के लिए, इंडस्ट्री बेस के लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या असर आप देखें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। मैं ये समझता हूँ कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इस पर इन्होंने जो 8,500 अरब रुपये का एस्टिमेटेड बजट रखा है, जिसमें टैक्स कलेक्शन भी का जो एस्टिमेट इन्होंने रखा है और वो है तकरीबन 5,800 अरब रुपए और 4,200 अरब रुपए ही अचीव कर चुके हैं। ये तो मुश्किल टारगेट, लेकिन उम्मीद है कि ये अचीव कर जाएंगे जिस तरीके से इनकी प्रोग्रेस है। अच्छा, उसके साथ साथ जो दूसरी इन्होंने चीज़ें रखी हैं, इन्फ्लेशन को 8% पर लेकर चले गए, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीब लोगों की कफालत का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, इसके साथ जो गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है, गाड़ियों की कीमतें अगर जैसे ये बता रहे हैं कि 17% से 12% पे आ जाएंगी तो एक अच्छा फर्क पड़ेगा। और 800 cc पे इन्होंने FED भी ख़त्म कर दी है और वैल्यू एडिड टैक्स भी बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने हटा दिया है, मोबाइल्स वगैरह पर भी कमी की गई है। और इसी तरीके से सेल्फ असेसमेंट स्कीम को दोबारा से जो रेस्टोर किया गया है, हम समझते हैं उसके भी असरात होंगे और जो ऑडिट का जो ऑटोमेटेड सिस्टम किया गया है वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। अगर हुकूमत इसके साथ साथ अगर छोटे ताजरों के लिए, अभी ये शहरी घराने की जो डिटेल आ जाएगी उसके ऊपर फिर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर 5 लाख रुपये शहरी घराने को दिए जा रहे हैं तो एक अच्छा कदम है। और इसके साथ ही 3 लाख रुपये देही घराने को, और इसके साथ साथ टैक्स में ट्रैक्टर्स वगैरह में सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये भी चीज़ है। और उसके साथ जो हाउसिंग स्कीम 60 लाख रुपये तक लोन दिया जा रहा है, हम ये चाह रहे थे कि इसके साथ छोटे ताजरों को 10 लाख रुपए से लेके और 50 लाख रुपए तक कैश फ्लो का बिलासुदी कर्ज़े दिए जाते हैं 5 साल से लेके 10 साल से। इससे हमारी मईशत और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती है।